अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ओप्पो F7 से कैसे आप लैंडस्केप फोटोग्राफी अच्छी तरह से खींच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहे हैं तो आपको पता ही है ओप्पो F7 के कैमरा यूज़र इंटरफेस का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे चैनल पर, बहुत ही यूज़फुल वीडियोस बना रहा हूँ। तो वैसे ही आज देखेंगे हम लैंडस्केप फोटोग्राफी। देखिए, लैंडस्केप फोटोग्राफी खींचते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगा इस वीडियो में, तो बने रहिए, फुल वीडियो को देखिए आप अच्छी तरह से समझने के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कंपोजिशन लेना लैंडस्केप फोटोग्राफी में, और ग्रिड लाइंस लाना, ये सब कैसे करते हैं ओप्पो F7 में मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे ओप्पो F7 से बेहतरीन लैंडस्केप पिक्चर्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ओप्पो F7 का डिफ़ॉल्ट कैमरा यूज़र इंटरफेस, जब भी आप कैमरा बटन पर टैप करेंगे तो यही यूज़र इंटरफेस मिलेगा आपको। आपको पता ही है कि क्या क्या यूज़ करके फ़ोटोज़ क्लिक करना है। अगर नहीं है तो हमारे चैनल पर देखिए, वीडियो मैं बना चुका हूँ इसके रिलेटेड। तो अभी फ़िलहाल हम देखेंगे लैंडस्केप फोटोग्राफी। देखिए, लैंडस्केप में इंपॉर्टेंट होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी जैसे आप एंगल पकड़ रहे हैं, जैसे आप कैमरा को टिल्ट कर रहे हैं, और कैसे ब्यूटीफुल लुक यहाँ पर मिल रहा है आपको इमेज में, वो एक प्रोफेशनल फ़ोटो को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ग्रिड लाइंस है, तो ये ग्रिड लाइंस कहाँ से आया है मोबाइल में, आपको इसके लिए कैमरा सेटिंग्स पर जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करें, मोबाइल के सेटिंग्स पर जाए। सेटिंग्स पर जाते ही यहाँ पर पूरा नीचे कैमरा करके है, टैप कीजिए। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रिड, तो इसको आप ज़रूर ऑन करना है। अगर आप लैंडस्केप पिक्चर ले रहे हैं तो ग्रिड की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं, तो ये वाला ग्रिड ज़रूर ऑन कीजिए। इसके साथ यहाँ पर वाटरमार्क दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाटरमार्क को आपका नाम से बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ ओप्पो का वाटरमार्क आएगा, अनफॉर्चुनेट थिंग है। अगर ओप्पो ये वीडियो देख रहा है तो वाटरमार्क चेंज करने के लिए देता तो बहुत ही अच्छा होता यहाँ पर, तो फ़िलहाल नहीं है, इसको डिसेबल करेंगे। तो ग्रिड लाइन एनेबल करना ज़रूर आप। तो उसके बाद फिर हम कैमरा यूज़र इंटरफेस पर जाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइंस है, 3x3 ग्रिड, ये बहुत ही मदद करता है आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चर कंपोजिट करने के लिए। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर है बिल्कुल, कोई भी आप यहाँ पर इमेज में एक रेफरेंस के लिए ले लीजिए तो उसका हॉरिजॉन्टल होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है आपको, एंगल ढूंढना है, कौन सा एंगल में बहुत ही अच्छा पिक्चर्स मिलेंगे लैंडस्केप का। तो फिलहाल अभी यहाँ पर देख सकते हैं फोरग्राउंड एलिमेंट है, बैकग्राउंड है, यहाँ पर पेड़ है, तो ब्लू स्काई है, तो ऐसे अगर नज़ारा है तो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आएंगे, जब भी आप प्रिंट लेंगे तो भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो इसके बाद अभी सेटिंग्स क्या करना है, देखिए अभी फ़िलहाल हम फोटो मोड पर है, तो फोटो मोड में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सुपर विविड मोड दिया है ओप्पो F7 में, तो सुपर विविड मोड को ऑन कीजिए लैंडस्केप पिक्चर्स लेते वक्त, तो बहुत ही सैचुरेटेड एंड बहुत ही अच्छा आता है पिक्चर्स, और आपको बाद में एडिट करने की ज़रूरत ही नहीं। तो जस्ट एक बार ऐसे टैप कीजिए, बिल्कुल आपको मोबाइल स्टडी रखना है, अदरवाइज़ शेकी इमेजेस ज़रूर मिलेगा, तो शेक नहीं करना है बिल्कुल कैमरा को, तो बिल्कुल सॉलिडली ऐसे पकड़ के कैप्चर कीजिए, तो सुपर विविड मोड में बहुत ही सैचुरेटेड इमेजेस आपको मिलेगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अभी देखिए सुपर विविड मोड को डिसेबल कर देंगे फिर से। HDR तो है ही, आपको पता ही होगा कि HDR से क्या करते हैं। तो यहाँ पर फ़ोटो से हम अभी एक्सपर्ट मोड को शिफ्ट करेंगे। तो एक्सपर्ट मोड में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए अल्ट्रा HD मोड है, तो अल्ट्रा HD में अगर लेंगे तो 63 मेगापिक्सल ऑफ गुडनेस, इतना डिटेल पिक्चर्स मिलेगा, लेकिन एक ध्यान में रखना है कि आपको बिल्कुल शेक नहीं करना है कैमरा को। तो देखिए ऐसे सॉलिडली आप पकड़ सकते हैं, इसके बाद जस्ट टैप कीजिए, थोड़ी देर तक आपको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोसेस होगा 63 मेगापिक्सल्स का, क्योंकि इतना सेंसर का यूटिलाइज होता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं पिक्चर को बहुत ही एक्स्ट्रा डिटेल में मिलेगा आपको, तो आप प्रिंट आउट भी निकाल के अपने घर में वॉल पर चिपका सकते हैं, तो इतना अच्छा पिक्चर्स इसमें मिलेगा। तो ये वाला एक हो गया। तो नेक्स्ट हमको क्या देखना है, एक्सपर्ट मोड में 3 स्ट्राइप्स है यहाँ पर, एक बार टैप करें, टैप करने के बाद वाइट बैलेंस मिलेगा आपको। ये वाइट बैलेंस कैसे यूज़ होता है, देखिए मान लीजिए अभी हम जो सीनरी यहाँ पर है वो बिल्कुल ठीक से कलर नहीं ले रहा है कैमरा, तो क्या कर सकते हैं आप, वाइट बैलेंस पर एक बार टैप करके स्लाइडर को धीरे से मूव कीजिए, मूव करते ही देखिए कैसे कलर बदलने लगता है। तो ये एक्चुअली टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन से मापा जाता है यहाँ पर,
तो ऐसे आप बिल्कुल जो एक्यूरेट कलर्स है वहाँ तक आप ला के स्लाइडर को मूव करके पिक्चर ले सकते हैं। ऐसा बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट हमको सेटिंग गौर करना है एक्सपोजर वैल्यू। देखिए अभी यहाँ पर जैसे कि आप फोरग्राउंड एलिमेंट देख सकते हैं डार्क है, तो बैकग्राउंड बहुत ही ब्राइट है क्योंकि सन यहाँ पर है और ब्लू स्काई भी है, तो ब्राइटनेस बैकग्राउंड में ज़्यादा है नॉट इन फोरग्राउंड। तो अभी यहाँ पर ब्राइटनेस कैसे लाएं, तो ईवी की मदद से। ये ईवी वाला एक बार टैप करके अगर आप थोड़ा प्लस वन स्टॉप प्लस 0.5 स्टॉप ऐसे आप इंक्रीज़ करते जाएं, हाइलाइट्स को ब्लोन नहीं होना है, ये भी हमको अच्छी तरह से दिखना है और उसके साथ ये वाला भी, तो 0.75 स्टॉप तक अभी ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्राइटनेस आ रहा है इमेज में। तो फिर से हम कैप्चर करेंगे तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट इमेज मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लू स्काई है, वाइट क्लाउड्स भी दिखाई दे रहा है, फोरग्राउंड एलिमेंट भी है, बैकग्राउंड भी अच्छी तरह से आता है। तो ऐसे आप सेटिंग्स को चेंज करके बहुत ही अच्छे लैंडस्केप पिक्चर्स ले सकते हैं। तो लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, दिखाइए कि फ़ोटोज़ कैसे लिए हैं आप, मैं ज़रूर उसको क्रिटिक और कमेंट करूँगा। तो उसके बाद आप HDR है तो HDR ऑन करके भी ले सकते हैं ऐसे टिपिकल लैंडस्केप में, तो यहाँ से आपको डिटेल शॉट्स ज़रूर ऑटोमेटिकली वो देगा। तो इतने सारे सेटिंग्स हैं, तो दोस्तों इतने सारे सेटिंग्स हैं लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी के लिए। आपको ध्यान में रखना है ग्रिड लाइंस, कंपोजिशन और जो जो सेटिंग्स मैंने दिखाया है वो चेंज करके आप पिक्चर्स लेकर देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाइए और बताइए कि कैसे आप पिक्चर्स लिए हैं। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प हुआ होगा, अगर है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अपना, बाय बाय।